सो गाइज वेलकम बैक, दिस इज़ रितेश फ्रॉम विनवल रियल्टी सर्विसेज। आज इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इट्स अ न्यू लॉन्च एक्चुअली, सो अभी जस्ट रेरा आया है एंड बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो बेसिकली एक एज अ दिस वीडियो इज़ फॉर द प्री इंटीमेशन ऑफ दैट बुकिंग। सेकेंडली ऑलरेडी एस एस लीव का मैं वीडियो आपको बना चुका हूँ, आई होप आपको पसंद भी आया होगा। इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, आई बटन में भी आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आएगा क्योंकि बेसिकली इसे ना बिल्डर का प्रोफाइल, व्हाट दे आर मेकिंग, एरिया, अबाउट लोकेशन, सब कुछ मैंने उस प्रोजेक्ट में समझाया हुआ है, यू कैन अंडरस्टैंड। सो उसी के एस एस लीव के बैंक अपोजिट प्रोजेक्ट है, ठीक है। और द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एस एस लिंडन, दैट इज अगेन बेस्ड ऑन द ग्रीनरी। जो लीव था वो भी पूरा ग्रीन बेस्ड था, ये भी ग्रीनरी है। अब मैं चलता हूँ साइट पे ताकि आई विल मतलब एक कैजुअल वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आती जाए, सो दैट लाइक आर कम्युनिकेशन इज़ वेरी क्लियर, ठीक है। लोकेशन जो है ये डायरेक्टली अगर आप SPR से आते हो, जैसे अभी फिलहाल जब तक CPR कंप्लीट नहीं होता है तब तक यहाँ कोई भी आते हैं, सो उसको सपोज मान लो ट्रायंगुलर फॉर्म में आना पड़ता है कि फर्स्ट वो NH से आता है, वो टॉल क्रॉस करता है जो अभी टॉल है मानेसर जाने के लिए, बट वो टॉल रिमूव हो जाएगा। उसे आप आगे आते हो, आप वाटिका वाला फ्लाईओवर क्रॉस करते हो, अगले फ्लाईओवर से राइट लेते हो, देन यू कम टू द मेन मल्टी यूटिलिटी रोड, देन यू कम राइट। सो वो रेक्टेंगुलर करने की बजाय आप सीधा एक लेन में आ जाओगे, तो इट विल सेव लाइक 5-6 किलोमीटर्स एंड अराउंड 20-25 मिनट्स। सो SPR रोड जहाँ पर NH8 से मिलता है वहाँ से इस जगह पे आप 10 मिनट के अंदर अंदर पहुँच जाओगे, वो भी विदाउट एनी रेड लाइट। क्यों? क्योंकि CPR जो है कम्प्लीटली अगर आप देखोगे तो कम्प्लीटली रेड लाइट फ्री है, दैट्स ए एक्सप्रेस वे एक्चुअली। CPR अगर आप देखोगे तो वो द्वारका एक्सप्रेस वे का ही न्यू अलाइनमेंट उसको कहते हैं। तो एक्सप्रेस वे आपको पता है कि जब NH8 और एक्सप्रेस वे में ये फ़र्क होता है कि जो उसका NH8 का भी अपग्रेडेड वर्जन होता है एक्सप्रेस वे, कहीं रेड लाइट नहीं होगा, सीधा मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पर मिलेगा और सीधा आप आ जाओगे यहाँ पर वाली बात एग्जैक्टली। सो 10 मिनट में आप SPR के टिप से यहाँ पर हो। कनेक्टिविटी वाइज इट दे आर अमंग्स द बिगिनिंग ऑफ लाइक न्यू गुड़गांव। टोटल जो प्रोजेक्ट है दैट इज ऑफ 27 acres एक्चुअली, ठीक है। 27 एकड़ में करीब जो टोटल प्लॉट्स हैं आपके 110 के आसपास के प्लॉट्स पड़ते हैं, 110 या 112 मे बी, दो चार प्लॉट ऊपर नीचे हो सकता है, एंड करीब 420 या 430 के आसपास के मतलब फ्लोज हैं एग्जैक्ट में, एक मतलब दो चार पांच ऊपर नीचे आप कर सकते हो वाली बात है। सो अगर आप डेंसिटी वाइज भी देखते हो सो जो पर फैमिली आ जाती है 16-17 फैमिलीज पर एकड़ आ जाती है। सो आप ये ध्यान रखना, तो ये बेसिकली बहुत ही लो डेंसिटी होगा आपका। सो अब हम आ गए हैं साइट पे और ये पूरा साइट आसपास ज़्यादातर ऐसे के ही प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे। सो क्योंकि उधर लीफ है, उधर कोरल वुड है, अल्मेरिया है, वहाँ से आप अगर देखते हो। लोकेशन भी अगर मैं आपको समझा दूँ, क्योंकि CPR जो वो जगह है ना आपका, जो एलान का मॉल है, आई थिंक दैट इज़ कॉल्ड एलान मिरेकल, और क्रिसुमी, देखो क्रिसुमी का वीडियो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, एलान का कमर्शियल है, वहीं आपका CPR मिलता है, तो वहाँ से ये जगह आप देख सकते हो, इट्स वेरी क्लोज वाली बात एग्जैक्टली, ठीक है। सो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये 16-17 फैमिलीज पर एकड़ के हम बात कर रहे हैं। सो गाइज एक आप ये ध्यान रखना, देर आर टू डिफरेंट थिंग्स, एक तो होता है दीनदयाल के जो फ्लोज आ रहे हैं आजकल, और एक ये जो नॉर्मल जो गुड़गांव के एग्जिस्टिंग उसके हिसाब से चलते थे, दो चीज़ों को आप मिक्स मत करना। देखो दीनदयाल एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल मान लो, मैं ये नहीं कहता कि दीनदयाल एक खराब प्रोजेक्ट है, बट उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है उसका मैं तरीका आपको बता दूँ क्या होता है। जैसे सपोज मान लो मतलब लाइक गवर्नमेंट ने, PM मोदी ने एक स्कीम निकाली थी हाउसिंग फॉर ऑल, सो दे ब्रॉट लाइक बिकॉज अर्बन जगह पे वो लेके आए थे, देयर वर टू स्कीम्स, अफोर्डेबल हाउसिंग, कि यार आज जैसे गुड़गांव में कोई रहता है उसकी अगर 50,000 रुपये तनख्वाह है तो वो गुड़गांव में घर कैसे ले, तो उसके लिए अफोर्डेबल आया था 20-22 लाख में वो घर ले, दैट वॉज अफोर्डेबल हाउसिंग। लोगों ने अफोर्डेबल हाउसिंग को ये बोल के प्रमोट किया कि जो चीज़ मार्केट में 3 bedroom आपको 1 crore का मिलता है हम आपको 20 lakh में दे रहे हैं। सो इनिशियली लोग मिसगाइड भी हो जाते थे, बट कम्प्लीटली जब बन के आई चीज़ें तो वो बहुत डिफरेंट थी। अफोर्डेबल में कुछ रूल्स को डायल्यूट किया गया था बिकॉज लाइक इट वॉज अ हाई डेंसिटी, जैसे 5 acres में 700-800 फ्लैट आप बना रहे थे अगेंस्ट जो गुड़गांव में एग्जिस्टिंग 200-250 बनते थे। उसके बाद क्या होता था, वहाँ कोई जैसे फसाड वर्क नहीं होता, कोई ग्राउंड नहीं होता, पार्किंग नहीं होती, तो ये सब चीज़ों से जैसे आप बेसमेंट ही बनाते तो बहुत सारी कॉस्ट आपकी बच जाती है। तो इस तरीके से चीज़ें होती थी, बहुत सारे नॉर्म्स को डाइल्यूट किया गया वाली बात एग्जैक्टली। सो उस तरीके से अफोर्डेबल हाउसिंग ठीक है उसकी मतलब, तो उस हिसाब से आया। मैं ये देखो अफोर्डेबल हाउसिंग आया, अच्छी बात है कि हमारे जो मीडियम टर्म के लोग, मीडियम इनकम के लोग हैं उनको घर मिला, बट उसको आप गलत तरीके से प्रमोट नहीं कर सकते वाली बात एग्जैक्टली। सो दैट हैपेंड, बट जब अफोर्डेबल फाइनली बन के आया तो लोगों को पता लगा। इनफैक्ट मैं, मगर मेरे से पूछोगे तो मैं हमेशा कहता था कि यार गवर्नमेंट शुड प्रमोट अफोर्डेबल हाउसिंग,
बट मतलब एटलीस्ट वहाँ पर ना कार पार्किंग आपको देनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गुड़गांव में जो 20 लाख 22 लाख में भी जो मतलब जो घर बना रहे हैं अपना, मतलब 20 लाख 22 लाख का भी जिसका घर है, दे हैव अ कार्स. एक्चुअली गुड़गांव में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का थोड़ा प्रॉब्लम है, सो लोग कार रखना प्रेफर करते हैं बिकॉज लोगों की ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है. सो उस हिसाब से बाइक से ज़्यादा लोग गुड़गांव में कार प्रेफर करते हैं एज ए मिडिल इनकम, आपको बता रहा हूँ. सो बट अफोर्डेबल में नहीं दिया, तो अब आपको पता है बहुत सारी जगह बहुत चैलेंजेस आ रही है, सोसाइटीज़ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स आने लग गई है. अभी फिलहाल कुछ अच्छी बात यह है कि सोसाइटी में पार्किंग नहीं है, सोसाइटी के बाहर कोई खाली लैंड है, वहाँ सपोज मान लो किसी बंदे की लैंड थी तो उसने क्या किया, उसको पार्किंग बना दिया, ही इज अर्निंग लाइक 1-1.5 लाख रुपये महीने वो कमाते हैं. आप पूरे अफोर्डेबल का सीन देख लेना, इट्स ओके. मतलब कहने का मतलब है, तो मेरा गवर्नमेंट से ये था कि यार आप इसको एक पार्किंग दो, ये मैं हमेशा से चाहता था कि यार पार्किंग आप जरूर बनाओ अफोर्डेबल में, बट ठीक है गवर्नमेंट हमसे ज़्यादा बड़े प्लानर्स बैठे हैं वहाँ पर, ठीक है. और फिर क्या हुआ कि सेम टाइम में सपोज़ मान लो कि सेम टाइम क्या हुआ था कि जो मिड सिटीज़ है, अब जैसे जैसे पटौदी है, सोना है, भिवानी है, मतलब जो मिड अर्बन एरियाज़ है, गुड़गांव इज़ हाई अर्बन एरिया, वहाँ पर अब वहाँ पर तो फ्लैट्स हर जगह फ्लैट्स नहीं चलते ना, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने सोचा कि यार हम छोटे छोटे प्लॉट्स देते हैं लोगों को 50 गज के, 60 गज के, 70 गज के, 100 गज के, 150 गज के, एग्जैक्टली. तो उस वो स्कीम को हम कहते थे दीनदयाल. उसमें क्या होता था बेसिकली, वो हाई डेंसिटी प्लॉट्स होते थे. जैसे आज सपोज मान लो ये जो प्लॉट है, ये इसमें अगर एक सपोज मान लो इसमें ना आपको जैसे सपोज मान लो आप देख ही रहे हो 16-17 फैमिलीज पर एकड़ आ रही है, वहाँ पर क्या कि प्लॉट साइजेस छोटे कर दिए 100 गज है. कंस्ट्रक्शन का जो होता है ना, जैसे आपको जब आप एक नॉर्मल प्लॉट में बनाते हो तो 60-65% आप कंस्ट्रक्ट करते हो, बाकी आपको सेटबैक एरिया छोड़ना पड़ता है. कंस्ट्रक्शन के भी नॉर्म्स होते हैं कि आप उससे ज़्यादा नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते, यू हैव टू गिव लॉट ऑफ ओपन एरिया, मतलब ओपन स्पेसेस एंड ऑल. तो दीनदयाल में वो चीज़ फॉलो मतलब नहीं होता कि वो चीज़ नहीं कि 100%. जैसे आप दिल्ली में जाते हो कहीं भी, यू गो टू लाइक महावीर इनक्लेव एंड ऑल, आप दिल्ली में देखते हो पूरा का पूरा प्लॉट कवर कर लेते हैं वाली बात है, या बहुत जगह पे घर बनते हैं पूरे प्लॉट पे कवर करते हैं. तो वो चीज़ें ही सेम चीज़ें हैं. रोड्स की डेंसिटी कम कर दी उन्होंने, 9 मीटर की कर दी. तो बेसिकली वो बेसिकली क्या किया कि वो, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं दीनदयाल को की बुराई नहीं कर रहा, लोग उसको गलत तरीके से प्रमोट करते हैं, मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ. तो 25 एकड़ में नंबर ऑफ फैमिलीज बहुत ज़्यादा हो जाती है. आज जो 27 एकड़ में यहाँ जितनी फैमिलीज होगी, अगर आप दीनदयाल में जोड़ोगे तो यहाँ से 5 टाइम ज़्यादा होगी ऑलमोस्ट. क्लब्स यहाँ से बहुत छोटे होंगे, आपके ग्रीन एरिया बहुत छोटा होगा. उसको क्या करते, क्लब को जूम कर करके इतना बड़ा दिखाते हैं, पार्क को इतना बड़ा, एक पूल को जैसे अफोर्डेबल में लोग क्या करते हैं ऐसे इस तरह से प्रमोट करते हैं, कितना सा टब बना देते, उसको पूल, स्विमिंग पूल लोग बोलते हैं, तो वो गलत तरीके से प्रमोट करते हैं. मैं सिर्फ उसके अगेंस्ट में हूँ, मैं ये नहीं कहता कि यार दीनदयाल नहीं आना चाहिए था. दो देखा जाए तो दीनदयाल जैसे प्रोजेक्ट्स आने से गुड़गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर का लोड गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बढ़ जाएगा, तो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं तैयारी करनी पड़ेगी. तो थोड़ा सा बेसिकली इन्होंने क्या किया था, मैं जस्ट ये बोलना चाह रहा था कि ये दीनदयाल जो स्कीम है ना, ये गुड़गांव के लिए नहीं थी, दीज वर लाइक फॉर सेमी अर्बन एरियाज. इसको थोड़ा सा कन्वर्ट किया गया गुड़गांव में, मतलब थोड़ा बिल्डरों ने अपनी गवर्नमेंट से थोड़ी सी पैचअप करके, कि बेसिकली रियल इस्टेट मार्केट डाउन था तो उस वक्त गवर्नमेंट के पास भी रेवेन्यू नहीं आ रहा था, लाइसेंसेस बिल्डर अप्लाई नहीं कर रहे थे, तो बिल्डरों ने प्रपोजल दिया कि इस तरह के स्कीम गुड़गांव में लाते हैं, ठीक है. सो अनलाइक मतलब सपोज मान लो अफोर्डेबल हाउसिंग, वहाँ कोई रेट का कैप नहीं रहा, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग में 4,000 रुपये फुट का कैप है तो उसमें कोई कैप नहीं है. सो बिल्डरों ने फिर उसमें अपने फ्लोज बनाने शुरू कर दिए. सो अच्छे बनेंगे, कैसे बनेंगे वो भी आने वाली बात है, बट वो बहुत हाई डेंसिटी होगा. अगर आप कभी किसी दीनदयाल प्रोजेक्ट में जाओगे और आप दो टावर, दो फ्लैट के बीच में आप गैप देखोगे, अगर आपके, तो आप सोच नहीं सकते कि मतलब कम्प्लीटली मतलब इस तरह का गैप होगा कि एक बालकनी से बंदा दूसरी बालकनी में कूद सकता है, ठीक है. सो ये चीज़ें हैं, मतलब दीनदयाल खरीदो, नेचुरल से बात है यू हैव टू सी योर बजट ऑल्सो बिहाइंड एवरीथिंग. आज गुड़गांव जैसी जगह पे पहला चीज़ तो आपको घर मिल जाए वाली बात है, बट यू शुड ऑल्सो नो, मैं उस लोगों के अगेंस्ट हूँ जो उसको बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी बोल के प्रमोट करते हैं. यहाँ प्योर ये 300 गज का प्रोजेक्ट है, आप सामने देख लो, ठीक है. 300 गज में 4 फ्लोर्स बन रहे हैं, ये एक सैंपल बन रहा है, इसलिए मैं आपको जस्ट एक दिखा रहा हूँ वाली बात है. ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, दे विल मेक लाइक एक पूरा बिल्डिंग शायद तैयार कर दे, एक सैंपल भी तैयार कर दे. सो अगर आप देखोगे तो यू विल हैव 4 BHK. सो सबसे अच्छी बात क्या है, अभी आप न्यू गुड़गांव में जाओगे कहीं 4 BHK का ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो यू विल गेट 4 BHK, दैट टू इन अ रेंज ऑफ लाइक 1.5 to 1.6. जैसे सपोज आप, सबसे महंगा आपका 4th फ्लोर होगा, 1.5 to 1.6 प्लस टैक्सेस एंड ऑल, मतलब सब कुछ वो करके देखोगे. सो मतलब बेसिकली ऊपर आपको टेरेस मिल जाएगा, स्टिल्ट में कार पार्किंग है, एंड यू विल गेट द सर्वेंट रूम्स. बाकी आपको 4 BHK का रूम्स मिलेगा, रूम साइजेस बहुत ही अच्छे हैं, कोई भी रूम छोटे नहीं है. रूम के साथ प्रॉपर, कई रूम्स के साथ आपको प्रॉपर वो दी गई है, मतलब लाइक अलमीरा बनाने की जगह. रूम साइज़ के लिए मतलब आई नो कि दैट्स अ वेरी परफेक्ट थिंग, क्योंकि मतलब रूम साइज़ में इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है. 300 गज एक अच्छा साइज़ का प्लॉट होता है.
ओपन, जैसे सपोज मान लो कि यहाँ आपको प्लॉट, जैसे सिंस इट्स नॉट ए दीनदयाल स्कीम तो नंबर ऑफ प्लॉट्स बहुत लिमिटेड होंगे, सो आपको प्रॉपर जो कहते हैं ना बैक टू बैक गैप है आगे पीछे का, वो सारा चीज़ मिलेगा, कंप्लीटली गेटेड होगा आपका। ये जो आप पूरा देख रहे हो ना, एक पूरा गेट बनेगा वाली बात, एग्जैक्टली पूरी एक तो होते हैं ना कि लाइक इट विल बी कम्प्लीटली गेटेड वाली बात, एग्जैक्टली यू विल हैव अ क्लब ऑल्सो, प्रॉपर क्लब होगा। सो बेसिकली आप इसको ना एज अ बिल्डर फ्लोर नहीं समझ के आप इसको एज अ लो राइज अपार्टमेंट समझो, तो दैट इज ऑल्सो लाइक देन दैट कैन ऑल्सो हैव अ परफेक्ट थिंग, क्योंकि यू हैव एवरीथिंग, आप गेटेड भी हो, सिक्योरिटी के अंदर भी हो, यू विल हैव लाइक फ्लोर्स जो एक स्पेशियस होगा आगे पीछे से ओपन होगा, तो कुछ अपार्टमेंट्स के आपको जो बेनिफिट मिल सकते हैं, जैसे सपोज मान लो कि सिक्योरिटी वाला मिल गया, क्लब ऑलरेडी करीब 25-26,000 स्क्वायर फीट का क्लब भी होगा, विच विल हैव ऑल दी फैसिलिटीज, यू विल हैव ऑल वॉकिंग ट्रैक्स एंड ऑल, सब कुछ होगा वाली बात, एग्जैक्टली सो योर इट विल हैव लाइक वेरी प्लेजेंट काइंड ऑफ थिंग। 2700 स्क्वायर फीट का सेलेबल एरिया होगा आपका, कार्पेट एरिया 1500 स्क्वायर फीट के आसपास का होगा, बिल्ट अप एरिया 2188 स्क्वायर फीट होगा। पेमेंट प्लान भी बहुत फ्लेक्सिबल दे रहे हैं, सो इट विल बी अ PLP प्लान प्रेजेंटली, लाइक अगर आप चाहो तो मतलब यू कैन पे 25% नाउ एंड लाइक रेस्ट ऑन सुपर स्ट्रक्चर एंड पोजेशन करके आप दे सकते हो वाली बात है। सो पेमेंट प्लान इज ऑल्सो वेरी फ्लेक्सिबल, काफ़ी अच्छा पेमेंट प्लान मिल जाएगा। शुरू में क्या होता है ना कि शुरू में आपको रेट्स का भी बेनिफिट मिल जाता है जो बाद में शायद आपको ना मिले वाली बात है, फसाड एंड ऑल। इसके अलावा जो अगर मैं फ्लैट्स के अंदर की बात करूँ, सो दे विल लाइक गिव यू लाइक ACs देंगे आपको अंदर लगा के, बाकी किचन में दे विल नॉट गिव एनीथिंग, बाथरूम फिटिंग्स एंड ऑल सारा कुछ कंप्लीट करके देंगे आपको। सो दीज आर द थिंग्स वाली बात, एग्जैक्टली लिंडन नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब लिंडन इज रिलेटेड टू ग्रीनरी, सो बेसिकली ग्रीनरी ये प्रमोट करेंगे SS के प्रोजेक्ट्स में ना, वैसे मैंने देखा है ग्रीनरी अच्छी देते हैं ये सारे प्रोजेक्ट्स में, सो ओपन एरिया काफ़ी रहेगा तो ग्रीनरी भी काफ़ी देंगे, तो उस हिसाब से ना जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट एक चीज़ बता रहा था आपको, जस्ट एक एग्जाम्पल मान लो जिस टाइम बिकॉज हम साइट पे हैं, सो आइडियली जो गैप्स है ना आप दो प्रोजेक्ट्स के बीच में आप इतना देख सकते हो वाली बात है, एग्जैक्टली सो वो चीज़ें होंगी, एक तरह के कॉमन फसाड्स होंगे तो काइंड ऑफ सोसाइटी की बिल्कुल फीलिंग्स आएगी आपको हर तरह से, तो ऐसा नहीं कि मतलब एक कोई और बिल्डर तरह का बिल्डर फ्लोर बन रहा है, दूसरा किसी और तरीके का बिल्डर फ्लोर बन रहा है। बाकी चीज़ों के हिसाब से अगर आप और एरिया के हिसाब से एक्सटेंसिवली यहाँ देखोगे, यू हैव अ वेरी कनेक्ट गुड कनेक्टिविटी फ्रॉम SPR एंड गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड NH8 दिल्ली, यहाँ से आप निकल सकते हो, यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे इज़ वेरी क्लोज, आप वहाँ के थ्रू आप वेस्ट दिल्ली भी निकल सकते हो। उसके अलावा यू कैन ईजिली अप्रोच टू मानेसर वाया मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर से आप डायरेक्टली मानेसर एंटर कर सकते हो, ऑलमोस्ट मानेसर से पहले तक वो बन चुका है, छोटा सा एरिया रह गया, वो कनेक्ट होने के बाद आप मानेसर में चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया हो चाहे वह बहुत बड़े जो IT हब से उसका एक्सेस कर सकते हो। 88 सेक्टर यहाँ पर फिर एक कमर्शियल हब बन रहा है, 74A जो ये न्यू कमर्शियल हब्स बन रहे हैं, जैसे मैंने अल्मेडा शूट किया था तो वहाँ पर MX का 9 acre का कैंपस बन रहा है, सो और ऑलरेडी 4 बिल्डिंग्स DLF के बन रही, काफ़ी सारी लीजिंग्स हो चुकी है, तो ऐसे ऐसे जो भी कमर्शियल हब्स उसे आप इजीली कनेक्ट हो जाओगे। और मेरा अपना जो इंट्यूशन है, जो मेरे अपने मतलब लाइक मेरे अपने एक्सपीरियंस है, वो ये कहता है कि एक रूट मेट्रो का जरूर अप्रूव होगा, विच विल कम फ्रॉम CPR देन टेक टू मल्टी रूट कॉरिडोर देन इट विल टेक टू मानेसर वाली बात, एग्जैक्टली जो मुझे लगता है, बाकी आई एम नॉट श्योर जब तक कोई एग्जीक्यूटिव DPA वो नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें वेल कनेक्टेड हो गई ऑलरेडी, अब ये हैबिटेबल एरिया है न्यू गुड़गांव, बहुत हद तक कनेक्टेड है, काफ़ी सारे मॉल्स एंड ऑल सारी चीज़ डेवलप हो चुकी है, सो आई होप जब तक इसका पोजीशन मिलेगा तब तक यहाँ डेवलपमेंट और आ चुकी है, कई सारे मॉल जैसे फॉर एग्जांपल मन वही मॉल है लान मिरेकल मॉल, इट्स अ वेरी गुड मॉल, वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा, कई सारे और प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल हो जाएंगे। सो न्यू गुड़गांव आपका CPR अप्रूव कंप्लीट हो चुका होगा, द्वारका एक्सप्रेस वे कंप्लीट हो चुका होगा, सो बहुत सारी डेवलपमेंट्स ऑलरेडी आ चुकी होगी यहाँ पर, जिस वक्त आप आओगे तब हाईली डेवलप्ड हो गई है। सो अगर आप कल को ऐसा भी लगता है कि यू वॉन्ट टू स्टे जब यहाँ डेवलपमेंट आ जाए, तो आपके लिए सही है कि मतलब आप रेडी टू मूव इन ले रहे हो, आप एक बहुत ही बाइफरकेटेड पेमेंट प्लान ले रहे हो, लेके आप 4BHK में अच्छा वो कर सकते हो, सर्वेंट रूम स्टिल्ट में होगा आपका 4BHK के अलावा, स्टिल्ट उसके अलावा स्टिल्ट में बचे एरिया में पार्किंग हुई, फोर्थ फ्लोर वालों को टेरेस राइट मिलेगा। सो गाइज आप फ्लोर प्लान ये ऑल सारी चीज़ें आप मेरे वेबसाइट पे देख लेना, डिटेल आपको मिल जाएगा नीचे, वहाँ से आप सारी चीज़ देख लेना, प्राइस एंड ऑल सारा देख लेना, आप कॉल कर लेना हमें, इसको मिस मत करना इफ़ यू आर जेन्युइन लुकिंग, क्योंकि देखो मैं उन्हीं बिल्डर्स के प्रोजेक्ट प्रमोट करता हूँ जहाँ आपके पैसे 100% सेफ है, कि आपके प्रोजेक्ट आपने पैसे दिए आपकी चीज़ बननी है। मैं कोई ऐसे प्रोडक्ट मेरा अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, मैंने ऐसे बिल्डर को प्रमोट नहीं कर रखा जहाँ पर आपके प्रोजेक्ट्स में कुछ प्रॉब्लम आनी है, पैसे में कुछ प्रॉब्लम आनी है। कल को मैंने अगर किसी का प्रोजेक्ट प्रमोट किया और बाद में उस बिल्डर के कुछ इश्यूज आती है तो मैं उसको जल्दी से रिमूव कर देता हूँ, ताकि मतलब फ्यूचर में कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो वाली बात। रेस्ट अश्योर्ड कि मेरे बेचे हुए प्रोजेक्ट्स बनेंगे। इस मामले मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल आपको मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई भी ऐसे प्रोडक्ट प्रमोट ही नहीं करता जहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो, वो वाली बात एग्जैक्टली। सो दिस इज गाइज, दिस इज आई एंड माई वीडियो। मेरे वेबसाइट पे आप जाके और भी प्रोजेक्ट्स देख सकते हो, आप बजट वाइज एग्रीगेटन कर लेना, कमर्शियल रेजिडेंशियल यू विल गेट और SEO डिटेल्स, अभी कई सारे SEO प्लॉट्स भी आ रहे हैं हर जगह। SEO प्लॉट्स आपको वैसे बता देता हूँ, लाइक ये क्या होते हैं कि जैसे सपोज मान लो
कमर्शियल प्लॉट है, जैसे आप इंस्टेड ऑफ बाइंग अ शॉप आप एक पूरा का पूरा प्लॉट लेते हो जो कम्प्लीटली, जिसमें आपका बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कम्प्लीटली आपका होता है. सो यू आर यूजिंग बाइफर्केटिंग इट इन अ डिफरेंट वे, कि आप पूरे के पूरे जैसे प्लॉट ओनर हो जाते हो. जैसे 29 सेक्टर है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स. तो वो भी SEOs वहाँ मिल जाएंगे, शॉप्स मिल जाएंगे आपको, हर तरह की सारे अच्छे रेप्यूटेड चीज़ें मिलेंगे आपको, कोई भी मतलब वो नहीं मिलेंगे. तो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हो. लग्जरी मेरे पास, मतलब देखो मेरे से अगर पूछोगे तो मेरी जो आपकी हमारी जो नीश है, इंक्लूडिंग मी एंड माई टीम, एक्चुअली मेरे पीछे मेरी पूरी एक टीम काम करती है. आपको लगता होगा कि यार ये हर बार आता कैमरा उठा के बैठ जाता है वाली बात है, बट ऐसा नहीं है. आई हैव टू IT पीपल ऑल्सो, जो मेरे वेबसाइट्स को मेंटेन करना, हमारे लिए प्रमोशन करना, सारी चीज़ें. सेल्स के हमारे 7-8 लोग हैं, हाईली एक्सपीरियंस. आप मेरे वेबसाइट पे जाकर उनका प्रोफाइल देख लेना वाली बात है. हमारे यहाँ 10, अगर आपको मिनिमम टू मिनिमम भी बंदा एक्सपीरियंस मिलेगा तो 7 से 8 साल पुराना मिलेगा, तो हाईली एक्सपीरियंस. और घुमक्कड़ तो हमारे ऑफिस में इतने बड़े हैं ना, आपको बता नहीं सकता कि यार वो दिन भर घूमते रहते हैं. हमारे ऑफिस में बैठने वालों का काम ही नहीं है, ठीक है. और दूसरी चीज़ है, तो वो सारी चीज़ें मिलेंगे. मेरे ब्रदर हैं, ही डील्स इन इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी, स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड ऑल. सो इस तरह का आपको काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो मिलेगा. बट फॉर दैट आप मेरे वेबसाइट पर ना, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स. सो गाइज, दिस इज हियर आई एंड माई वीडियो. थैंक्स फॉर लिसनिंग. गॉड ब्लेस यू ऑल.